आप में से सबने आंट और ग्रासहॉपर वाली स्टोरी सुनी होगी, जिसमें आंट आने वाले डेज के लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखती है ताकि आने वाले डेज में वो अच्छे से अपना फूड इंजॉय कर सके, और ग्रासहॉपर वो तो मज़े से गिटार बजा रहा होता है। और पता है, इस गर्मी में एकदम ग्रासहॉपर बन गई, जिसको गर्मी में अचार आज बनाना है कल बनाना है, ऐसे करते करते पूरी गर्मी भी निकल गई और लोजी ठंडी भी आ गई, और मैंने अचार तो बनाया नहीं, बनाना भूल गई तो क्या हुआ, बट मेरे पास उसका अल्टरनेटिव है जो बिना उतने एफर्ट के आपको बिल्कुल सेम टेस्ट देगा। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन स्टफ चिली, जिसमें हमें इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है खड़ी धनिया, कलौंजी, सौंफ जो कि बड़े साइज की है, नमक और पिसी खटाई। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन चिली जो बड़े साइज में है, इसको हम बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पे हम इस स्टफी में जो मसाला यूज़ करेंगे उसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मैंने गार्लिक को रोस्ट किया है क्योंकि इसमें हल्का सा टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया है, और जब तक इसका हल्का सा कलर नहीं चेंज हो जाएगा तब तक इसको रोस्ट करना है। बाद यहाँ पे मैंने अपने सारे खड़े मसालों को रोस्ट कर लिया है, लगभग 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और ये हल्के अच्छे से क्रैकल होने लगे हैं, उसके बाद मैंने इसको उतार लिया है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक से मसाले ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और हल्का सा दरदरा पेस्ट बना लिया है। और देखिए हमारा मसाला एकदम दरदरा पिसा है, और उसके बाद हमें क्या करना है, अपने मिर्ची में इसको अच्छे से फिलिंग कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको फिलिंग कैसे करनी है। आपको अपना मिर्चा लेना है, उसके बाद अच्छे से स्टफिंग उसमें कर देनी है। ध्यान रखिएगा स्टफिंग अच्छे से करिएगा। जब तक हम लोग स्टफिंग कर रहे हैं तब तक प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी और आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। और यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप, मैंने फिलिंग अच्छी तरीके से कर ली, और यहाँ मिर्चियों को फ्राई करने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई यूज़ करने से फ्लेवर तो अच्छा आता ही है सब्जियों में, बट वो हेल्दी भी काफ़ी होता है। और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी कुकिंग करें तो लोहे की कढ़ाई का यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया है मैंने एक एक करके सारे मिर्चे अपने डाल दिए हैं उसमें, और उसके बाद मैंने मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दिया है। उसके बाद एक तरीके से हमारा मिर्चा जब अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, उसके बाद मैंने मिर्चों को पलट दिया है। बाद मैंने मैक्सिमम 5 मिनट के लिए इसको लिड से कवर कर दिया है, और 5 मिनट के बाद मैंने एक बार फिर से अपने मिर्चों को अच्छी तरीके से चला लिया है। और ध्यान रखिएगा आप इसको हार्शली मत चलाइएगा, सॉफ्टली इसको पलटिएगा, और देखिए आप हमारे जैसे आप अपने मिर्चों को पलटेंगे आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे,
और फिर आपको क्या करना है, फिर मैक्सिमम 22 मिनट के लिए इसको लिड से कवर कर देना है। ये स्टेप लगभग आपको 2 से 3 बार करना है। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरा प्रोसेस आपका लो फ्लेम पे होना चाहिए, वरना आपकी मिर्चें जल जाएंगी। और यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि मैंने इसको लगभग 5 मिनट के लिए लिड से कवर कर दिया है और फिर से मिर्चों को अपने पलट दिया है। और अब आपकी मिर्चें ऑलमोस्ट पक चुके हैं, अब आपको अपने गैस को बंद कर देना है। और देखिए, हमारे मिर्चे ने पूरा तेल छोड़ दिया है और मसाला अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो गया है और हमारे मिर्चे भी बनके तैयार है। और उसके बाद आपको रूम टेम्परेचर पे ही इसको ठंडा होने देना है। ध्यान रखिएगा कि मिर्चा आपका पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, अदरवाइज वो सड़ जाएगा। और जैसे ही मिर्चा आपको ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको इसे किसी जार में कंटेन करके रख लेना है। और आप इस मिर्चे को जब भी चाहे आप खाने के साथ इंजॉय कर सकते हैं और लगभग 15-18 डेज के लिए इसको रिजर्व करके रख सकते हैं। और देखिए, हमारे मिर्चे पूरी तरीके से बन गए और खाने में एकदम वही ऑथेंटिक अचार वाला टेस्ट आएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिए और कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। और जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।